नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा स्वरूप लखनऊ से। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा, बहुत सराहा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं आपको अपने बगीचे में बोगनवेलिया के 6-7 पौधों को दिखाऊंगी, जो कि मार्च से ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं। इन सभी पौधों को मैंने फरवरी में 10 तारीख को हार्ड प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग के 10-15 दिन बाद ही मेरे पौधे पूरी तरह से फिर से हरे भरे हो गए और खूब ज़्यादा उस पर ब्रांचेस निकल कर आईं। अब सारी ब्रांचों पर फूलों की बहार है, जो आप देख ही रहे हैं। ये मेरे 5 साल पुराने पौधे हैं, जिनको मैंने अक्टूबर के महीने में रूट बाउंडिंग हो गई थी। सालों से उस पर फूल नहीं आ रहे थे, तो मैंने सारे पौधों को बाहर गमले से निकाल लिया और जो एक्स्ट्रा रूट थी, जड़ें थी, उनकी प्रूनिंग करके फिर पौधों को ऊपर से भी प्रूनिंग कर दी, जिससे कि पूरे दिसंबर जनवरी ये फूलों से लदे रहे, जैसे कि अभी पूरे फूलों से लदे हैं। ये हमें पूरे साल फूल देते रहते हैं। इनकी मुख्य पसंद है कि जब फूल आना बंद हो जाए तो इनकी ऊपर की ब्रांचों को साफ प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि और ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी पौधों पर और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। अब बात करते हैं हम इनके सॉयल मिक्सचर की और वाटरिंग की। तो इनकी मिट्टी को एसिडिक होनी चाहिए। मेरी मिट्टी में तो 30% गार्डन सॉयल, 40% सैंड, 30% गोबर की खाद डालती हूँ और नतीजा आपके सामने है। इनको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। गमले में ऊपर से 1 या 1.5 इंच मिट्टी जब सूखी दिखे तभी आप पानी दें, वरना दूसरे दिन पानी दें। मुझे तो पूरा विश्वास है मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ।